नमस्कार आपन देखते अर्गस अपडेट आपंपी प्रथम हेडलाइंस ट्विटर धर्मेन्द्र को प्रणव टार्गेट प्रसंग जवाब रखिले लेखाश्री कहले मुख्यमंत्री को चारि कांथरे बांधी दुष्कर्म हत्या तस्करी चली बीजेपी भली महिला क्षमत रखतु महिला सशक्तिकरण कथा कहले बालेश्वर अर्गस प्रतिनिधि को माड़ मामला केबे हेबो कार्यानुष्ठान तीन दिन पर भी एक्शन नेउनी पुलिस घटनास्थल में पहुंचले केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी विजिलेंस जाल में थुआ पदर पंचायत पीओ बालेश्वर नायक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बासभवन समेत पौतृक घरे रेड मालकानगिरी और नवरंगपुर विजिलेंस पक्षर मिलित रेड जारी आज माओवादी पक्षर ओडा समेत पूर्व छत्तीसगढ़ बंद डाकरा नक्सल उपा पुलिस आक्रमण प्रतिवाद रायगढ़ कंधमाल सीमांत गछ काटी रास्ता अवरोध दिल्ली में बिना ड्राइवर चलो मेट्रो मेजेंटा लाइन में शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जनकपुरी वेस्ट स्टेशन टू बटानिकल गार्डन पर्यंत गड़ब एवं अधिक सुरक्षित होते जात्री सात वर्ष नाबालिका को अपहरण उद्यम दुई घंटा पर संज्ञाहीन अवस्था झील उद्धार जाजपुर मुकुंदपुर गांव में उत्तेजना अपहरणकारी काबू कर पुलिस जिमा दे ग्रामवासी जगा दर्शन करुछंती पुरीवासी तृतीय दिन में कोविड कटकण दर्शन व्यवस्था सेपटे आज खोलला भद्रक आखंडलमणि मंदिर प्रथम दुई दिन सेवायत पर दर्शन अनुमति एवं आहरी थर शीत दुई रु तीन डिग्री कम पारद तीन दिन जाए कुहुड़ी आलर्ट दस डिग्री तले एगार जिला सबुठ था फुलवाणी एबे देखिबा संपूर्ण खबर ट्विटर धर्मेन्द्र प्रधान को प्रणव प्रकाश दास को टार्गेट प्रसंग प्रतिक्रिया रखिले बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सेयार कहले मुख्यमंत्री को चारिकांत भितरे बांधी ओडिशार माँ भौनी शिशु को दुष्कर्म हत्या और तस्करी भली राकेट चलाइछन्ती आपणक दलर माँ भौनी को संसद और विधानसभा भी मुहरे तुंडी बांधि रखिछन्ती बीजेपी भली महिला शासन क्षमता केन्द्र में रखत तापर महिला सशक्तिकरण कथा कहे गत काली बीजेडी सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को ट्विट जरिया कहते आम मुख्यमंत्री चाहती आमर माँ और भौणी माने संसद और विधानसभा बसी देशर भाग्य निर्धारण करतु आपण कौन चाहती महिला माने घर चारिकांत भितर रही केवल रोषे करतु आम माँ और भौणी माने आज भी चमत्कार रोषे करती सुजोग मिले से चलपारे ट्विट कर प्रणव जहा उपरे जवाब रखिछंती लेखाश्री सामंत सिंहार विजिलेंस जाल में भवानीपाटना सदर ब्लॉक थुआ पदर पंचायत पीओ बालेश्वर नायक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग घरे विजिलेंस चढ़ाव करुछि भवानीपाटना गोदामपड़ा स्थित तीन महला कोठा और तांको निज गाँ कलमपुर ब्लॉक भेला गाँव में एक कालीन भाव में नवरंगपुर डीएसपी नेतृत्व में विजिलेंस दुईट टीम चढ़ाव जारी रखे प्राथमिक सूचनार सुना गहना जमी कागजपत्र बीमा कागजपत्र एटीएम वर्तमान सुधा जबत कर अधिक चढ़ाऊ जारी रही ओडिशा पुलिस नक्सल उपरे आक्रमण प्रतिवाद रे नक्सल संगठन पक्षर आज ओडिशा समेत पूर्व छत्तीसगढ़ बंडा करा दिया जाए रायगढ़ कंधमाल सीमांत बंडा पिपिली ग्राम निकट में नक्सल माने गछ काटी रास्ता अवरोध करछन्ते रायगढ़ कंधमाल जिला रास्तार गमनागमन बाधाप्राप्त होछि गत 24 तारीख दिन एक ऑडियो टेप जारी करा जाई माओ संगठन पक्षर आसंता 28 तारीख दिन ओडिशा और पूर्व छत्तीसगढ़ बंद डाकरा दि जाइला माओ संगठन सीपीआई माओवादी पक्षर सोनाली एही ऑडियो टेप जारी कर आसंता 28 तारीख को ओडिशा समेत पूर्व छत्तीसगढ़ बंद पालन करने आह्वान देते ऑडियो टेप रे शहीद नक्सल साथी मृत्युर जवाब रक्त देवाई कहु विभिन्न स्थान में एसओजी और डीवीएफ जवान माने जेपरी नक्सल साथी मानको हत्या करुछंती तार उचित जवाब दिया जिबो बोली ऑडियो टेप जारी करी कहा
आज यार प्रभाव रायगढ़ जिलार कंधमाल सीमांत देखा मिली। गच्छ काटे रास्ता अवरोध कराई माओवादी माने विभिन्न पोस्टर लगा जा देखा मिली। आसवा परवर्ती खबर को अपहरण पर संज्ञाहीन अवस्था नाबालिका उद्धार। 7 वर्षर नाबालिका को अपहरण उद्यम करा। जाजपुर जिला कोराई थाना मुकुंदपुर गांव में घटी एक अभावनीय घटना। अपहरण 2 घंटा पर संज्ञाहीन अवस्था नाबालिका को उद्धार करते ग्रामवासी। गतकाली गाँ दांड में खेलुवा बेले निखोज हो जाता नाबालिका। बहु समय खोजाखोजी करने गाँवर जड़े युवक चांदुलु नायक नाबालिका को नहीं जाता देखा पाई ग्रामवासी। पर अपहरणकारी युवक को ग्रामवासी काबू कर पुलिस जिमा देते। तेज घटना को नहीं उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखा देखा लोके टायर जाली प्रतिवाद करते। खबर पाई घटनास्थल में पुलिस पहुंची उत्त्यक्त लोक बुझासुझा पर परिस्थिति शांत पड़ा। अभियुक्त को गिरफ कर घटनार अधिक तदंत चल पुलिस। बाहानगा विडिओं सांबादिकों आक्रमण घटना। बालेश्वर नीलगिरी थाना सम्मुखें धारण में बसिता सांबादिकों भेटिले केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी। घटना को एतिमध्यरे 3 दिन बीती जाइले पुलिस प्रशासन पक्षर एने कौन कार्यानुषान नि जहाक नहीं बालेश्वर जिला सांबादिक संघ पक्षर नीलगिरी थाना सम्मुखें धारणा दि जाए। तेज धारण में बसी आंदोलनरत सांबादिकर आम सहित जन जोड़ी सीधा साल आम सहित आलोचना करवा। सुधांशु शेखर अच्छा सुधांशु जानापी चाहिए जो भाई भाव में यह घटना को 3 दिन बीतीगला वर्तमान पर्यंत पुलिस कौन कार्यानुषान नौनी। अंपटे देखा कि घटनास्थल में पहुंचे केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी वर्तमान अपडेट कौन रही। गत काली विलंबित रात्रि रे माननीय केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी एवं गत काली सकाळे विधायक पूर्वतन विधायक चित्तरंजन षडंगी एवं अक्षय आचार्य महोदय पहुँची से माने आमको आश्वासना दे बहुत जल्दी कार्यानुष्ठान हम जदि न हुए ताले से माने भी आम सहित सामिल हे। वर्तमान सुधा किंतु जो आपणकर नीलगिरी पुलिस कौन से कार्यानुष्ठान नहीं ये कौटना कौटि वर्तमान चापर अच्छा। गत काली जड़े राज्य सरकार जड़े मंत्री ए बाबद मत रखिले आम मत न रखिले सांबादिकत आक्रमण होमें शीत काकर पड़ीचु। नवीन पट्टनायक नीरव रही आम ये शीत काकर पड़ीचु आज्ञा एसपी आसूना एसपी बुझुना जिलापा नीरव रोचा जहा जहाँ कौटिना कौटि आम प्रति वर्तमान सरकार उदासीन भाव देखा आमको न्याय देवे सरकार सांबादिक मानक न्याय देवा चाहूना आउ ये पुलिस वर्तमान यात्रा पुलिस साजिची यात्रा रे जमी पुलिस तार रूल करे अभिनय करे ये पुलिस सेमती अभिनय करुची घंटा पर गुटे कथा कहूँ आपन को आम 10टा बेले न्याय देमु आउ 2 घंटा समय दिंतु आउ 2 दिन समय दिंतु किंतु या भितर 3 दिन बीती जाइले भी आम न्याय पाइपारूनि। जितेबाला सांबादिक माने गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ न्याय पाई से साधारण लोक कौ अवस्था अच्छा ये नीलगिरी साधारण लोक वास्तव में ये पुलिस पाखु न्याय पाँच कि ना ये एक बड़ प्रश्न ये सब ये परिस्थित रे ये नीरव ये पुलिस नीरव रोची ये सरकार नीरव रे सांबादिक सरकार कर्मचारी मैंने पिटे सांबादिक सरकारी कर्मचारी मैंने धमक देवे विभिन्न खराब भाषा गाड़ी गुलज करेंगे ये पर आउ कौन अच्छी आम केकर्डिंग देलुनी आम के प्रमाण पुलिस की दे सारे आम माड़ खाई आज्ञा आम मोबाइल ना आम सांबादिक कैमेरा निजाई आम सांबादिक एकाज माफिया द्वारा वीडियो माड़ खुआ कर
तापरे पुलिस नीरव रही आज्ञा या या लज्जा ये लज्जा भारत भारत वर्ष पाई लज्जा ये केवल उड़ीसा पाई नुए आज्ञा ये समग्र भारत वर्ष पाई लज्जा ये गणतंत्र विपद रे अछि आज्ञा ये गणमाध्यम विपद रे अछि माने ये गणतंत्र विपद रे अछि ये ये सरकार ये नवीन पटनायक सरकार कौटना कौटी नवीन पटनायक सरकार एबे फेलुअर मारिछि ये तांको आईन आउ बाटरे जाउनी यहाँ आईन बाट हुड़ला ये नवीन पट्टनायक आईन आउ बाटर जाऊनी आंको फाइव टी एबे आंको फाइव टी एबे शून्य टी होगला आंको टी आउ काम करूनी आज्ञा आंको टी आंको टी आउ काम करूनी यह निंदनीय कथा ये को जत्ते निंदा कले भी कम हेबो सुधांशु गोटे बड़ कथा आम बारंबार ये घटना को नहीं जदि कह प्रतिवाद करा जाउछि कहीं बारंबार आम दृश्य देखीचे सदा सर्वदा सांबादिकों ऊपर को आक्रमण होने आम प्रतिवाद करुचे किंतु से नहीं कौन प्रकार वर्तमान पर्यंत कार्यानुषान ग्रहण कराऊनी यह घटना को नहीं तीन दिन बीतीगला किंतु कौन करवा आवश्यक हो पड़ी क्यों आईन ने आवश्यक जहाद्वारा कि जो सांबादिक मैंने टीके जदि कह आश्वासना पाई न्याय मिल अंपटे गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कहता सांबादिकों पर बारंबार आक्रमण हो एने वर्तमान पर्यंत प्रशासन हूँ कि सरकार को पक्षर कौन से प्रकार प्रतिक्रिया भी आसुने ये सरकार आज्ञा ये सरकार अराजकता देखा देची ये 20 वर्ष सरकार अराजकता देखा देची नोले आंको कर्मचारी जो माने आम टिकस अर्थ में दरमा नौचंती जो माने आम आम काम करिवा पई अछंती से माने आम को आक्रमण करिवे से माने आम कैमरा को छड़ाई नेबे आम मुह बंद करिया पई करिवे सेते बेले एमान को पुलिस सहायता करिवो एमान को पुलिस डाकी सांबादिक ना रे काउंटर अभियोग करिया पई कहिवो ये आज्ञा कौ भली कथा ये ए भली कथा को ये ओडिशावासी विरोध करवा दरकार ओडिशावासी आम को सहयोग करवा दरकार आम आज्ञा प्रतिदिन लड़ुचु आम सांबादिक माने प्रतिदिन लड़ुचु का लड़ुचु साधारण लोक लड़ुचु आम सतकता बाहर को आने पर लड़ुचु जिते बड़े आम सत आणुचु जिते बड़े आम सत बाहर को काढ़ुचु से ये सरकारी अफसर मैंने लगि जाऊँगी ये सरकार सहयोग कर ये पुलिस सहयोग कर मिलित उद्यम करके आमको मारे मारि सारापर आम ना मिछ मकदमा करे आमे धारणा रे बसचु आज्ञा आमे आत्माहुति देवु आवश्यक स्थले जदि पुलिस आम कथा बुझी न पारे जदि पुलिस जो माने दोषी से गिरफ न करे वीडियो को गिरफ न करे एवं जो माने आक्रमण करछन्ते आक्रमणकारी मानको गिरफ न करे ताले आमे बाध्य होय आत्माहुति देवु आमे बाध्य होय राजरास्ता कोलेबु आमे बाध्य होय रास्ता रे सोइबु ये शेष नहीं आमे रास्ता रे सोइबु आज्ञा दरकार पड़े आम रास्त जी आम न्याय पाइबुनि आम गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ बोली कहू आम आम उपरे गणतंत्र अच्छी चारिटा स्तंभ उपरे गणतंत्र अच्छी ताकि आम गोटे स्तंभ आम निजक गोटे गणतंत्र स्तंभ कहू कि आम न्याय पाइबुनि आज्ञा ये नेता मैंने उत्तर रखे ये नेता लुचिजे ये मंत्री बालेश्वर जिलार जड़े राज्य सरकार मंत्री लुचि पड़ुंट एड़ाई जाऊँ प्रश्नर उत्तर दौना सांबादिक आक्रमण प्रश्नर उत्तर दौना लुचि पड़ुंट ये आज्ञा कौन ये सरकार कौन चली आज्ञा ये नवीन पटनायक कौन करुंट आज्ञा नवीन पटनायक देखु सांबादिक मैंने रास्ता कटे शुईन दिन धरी रास्ता कटे शुईं आज्ञा ये जो शीत ये जो पहाड़ पादेश जो शीत ये शीतर आम तीन दिन धरी शुचु आज्ञा रास्ता कटे एमने बुझुना एमने ये कौन चलती जंगल राज चलती ये नवीन सरकार जंगल राज चलती ये निहतर सुधांशु तार दृश्य मत देखुचे जो भाई भाव में आपड़ तीन दिन धरी लगातार से रही सेठी एक प्रकार धारणा देखते कि वर्तमान पर्यंत घटना को तीन दिन बीतीगला पुलिस कौन प्रकार आक्शन ने प्रश्नवाची सृष्टि होती देखा जाए आगामी दिन में एने पुलिस पक्ष कौन प्रतिक्रिया आसूँ बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु आप समस्त सूचना पाए नजर पकड़ परवर्त खबर उपर आज भारतीय जनजातीय कांग्रेस 136वां प्रतिष्ठा दिवस यहाँ आज ओडिशा कांग्रेस को 100 वर्ष पहुंचुची ए अवसर में आज भुवनेश्वर कांग्रेस कार्यालय कार्यक्रम अनुष्ठित हो कार्यक्रम पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा जटणी विधायक सुरेश राउतरायह कांग्रेस अन्य कार्यकर्ता माने जोग देते अवसर में पीसीसी सभापति द्वारा पताका उत्तोलन करा जायथिला आगामी दिन में राज्य में केमिति कांग्रेस स्थिति को मजबूत करबा एवं ओडिशा रे बढ़ी चलिथिबा अपराध को दूर करने को कांग्रेस सर्वदा चेष्टा करबा बोली पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक
अन्यपक्ष राज्य में बढ़ुवा अपराधिक कार्यकलाप को सरकार को ऊपर बर्षि जटनी विधायक सुरेश राउतराय आज कंग्रेस छत्तीस वर्ष संपूर्ण होड़शारे कांग्रेस दल शहे वर्ष पूर्ण हो दिन आम अति गुरुत्वपूर्ण आम स्मरण करार अच्छी कांग्रेस दल सारा विश्व को नूतन दिग्दर्शन दे स्वाधीनता हासिल करना अस्त्रशस्त्र अहिंसा मध्यम आम आम स्वाधीनता हासिल करहात्मा गांधी जो नीति जो आदर्श एवं जो दिग्दर्शन मध्यम स्वाधीनता हासिल कर टूरीजम क्षेत्र में अग्रगामी हो पारा एवं आम राज्य को आम गोटे श्रेष्ठ राज्य हिसाब से सारा देश में गठन करूँ ताना गणतंत्र मूल्यबोध को क्षुण्ण कर जगा दर्शन करुछंती पुरीवासी आसंता 31 जाए वार्डवासी को कोरोना कटकणा भितरे महाप्रभु दर्शन अनुमति रही तीनोटी दफारे प्रत्येक वार्डवासी को 4 घंटा दर्शन करिवार सुजोग मिलुछि। आज तृतीय दिन में पुरी सहर 10, 19, 8, 5, 21 नंबर वार्डवासी दर्शन करेंगे। सका 8-12 पर्यंत 10 नंबर एवं 19 नंबर वार्डवासी 12:30 to 4:30 पर्यंत 21 नंबर और 8 नंबर वार्डवासी एवं संध्या 5 महाप्रभु पहुड़ होगा पर्यंत केवल 5 नंबर वार्डवासी दर्शन करेंगे। तेज जो मैंने पूरी सहर से भड़ा रोथे और कर्मजीवी भाव कार्य करुवे से दर्शन सुजोग दिजा समस्त पूरीवासी मुहरे मास्क परिधान करने सामाजिक दूरता रक्षा कर दर्शन करेंगे। तेज कौन भक्त श्रीमंदिर भरको भोग फूल तुलसी ने कि श्रीमंदिर भितरे महाप्रसाद सेवन करें छड़ा श्रीमंदिर भितरे कौन प्रतिमा को स्पर्श करेंगे ना कि दीप जाड़े ना और पान कि गुटका खाई छेप पकाइबे ना। समस्त भक्त मार्केट छक ब्यारिकेड मध्यम लाइन में परिचय पत्र देखा सह होता 8 क्यूस्क पुनर्बार परिचय पत्र देखा फोटोग्राफी करेंगे। तेज दीर्घमास महाप्रभु दर्शन करार सुजोग मिलुवर समस्ते बेस आनंदित। तेबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित पुरी सीधासलख जोड़ा प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक जगा दर्शन करुछंती पुरीवासी तृतीय दिन में कोविड कटकण से दर्शन व्यवस्था किभल रही समस्त व्यवस्था एवं जो भक्त मैंने आसुचान प्रतिक्रिया कौन आसूँ कहीं अनेक दिन पर जगतर नाथ जगन्नाथ को दर्शन कर निश्चित विस्मी से दिव्य दर्शन दिव्य अनुभूति केवल भक्त ही जानी निज चर्मचक्षुरे 9 मासर व्यवधान पर जितेबाला रत्न सिंहासन उपर महाप्रभु दर्शन कर दिव्य दर्शन दिव्य अनुभूति से भक्त ही जानी आम आपको देखलु श्रीमंदिर सिंहद्वार दे कि भक्त श्रद्धालु मैंने कोविड 19 तमाम कटकणा को मानिकी महाप्रभु को दर्शन कर उत्तर द्वार प्रस्थान कर भिडियोग्राफर जितेन्द्र को सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए ये हूँ उत्तर द्वार यही बाटे भक्त श्रद्धालु मैंने प्रस्थान कर तो निश्चित भाव में जो भक्त मैंने श्रीमंदिर को जाने मुहरे मास्क परिधान कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सब बड़ कथा हूँ मार्केट छक जो ब्यारिकेड मध्यम भक्त श्रद्धालु मैंने आसवे से लंबा लाइन में जी और निजर सांगे परिचय पत्र देखते आम गोटे मौसी सहित आलोचना करवा मौसी 9 मास पर महाप्रभु को देखिले केमती देखा जा महाप्रभु हो भगवान अवर्णन्य से हे भगवान प्रभु जगन्नाथ कौन से अनुभूति जिते जगार आखिरे आखि आप आखि मिसला रोमांचकर अनुभूति खूब सुंदर खूब आशा थी जीवन टे दर्शन कर आलोचना करें मैडम कौन कहे महाप्रभु को देखिले 9 मास पर आप तो पूरी बासिंदा के खुशी आज मन में बहुत 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 वर्णना करहबनी वर्णना करनी एत सुंदर ठाकुर दर्शन आई मन भितर नहीं कि जाऊँ मूर्ति निश्चित विस्मय आप जहाँ शुणुते आप देखते सीधा सड़क दृश्य उत्तर द्वार में किभली भाव में भक्त श्रद्धालु मैंने प्रस्थान करोड 19 तमाम कटक मानुंट आम किसी प्रतिक्रिया ना विस्मय बाहर भक्त जो मैंने दर्शन रू वंचित अच्छा कितु से तीन तारीख रू दर्शन व्यवस्था करलोचना करवा सार के मन में टे दुख लगुच आपण का आगे पूरीवासी जा दर्शन करने को कि आप जापना पूरीवासी 9 मास पर्यंत देखी ना आप देखी ना आप आपंतु तीन तारीख रू जी दर्शन करने को केते मन रे आग्रह अछि अपेक्षा करछन्ति से दिन को जगन्नाथ पर बहुत भरोसा अछि पुरीवासी दर्शन करछन्ति भगवान को डाकुछि आम आम जगन्नाथ केबे दर्शन देबे
ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଆମେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର COVID-19 ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସେଥିରେ ରାଜି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହେଇପାରିବନି, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, ତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିକି କ୍ୟୁରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ COVID-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ଦେଖିବା, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆଉ ସମ୍ଭବ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସାନିଟାଇଜିଂ କରିକି କେମିତି କ୍ୟୁରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର, କାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ତାରିଖରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 96 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି, 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ COVID-19 ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଆସିକି ଦେଖେଇବେ, ତାହା ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 10 ନମ୍ବର ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତମାମ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଗୁଟ୍କା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଲୋକ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଯଦି କହିବା 9 ମାସ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 30 ଏବଂ 31 2 ଦିନ 4ଟି ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। 1 ଓ 2 ତାରିଖ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆମର ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ସେବାୟତ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ ବା ଦର୍ଶନ କରିବେ। 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଏଇ 2 ଦିନ ଆମର ଯେ 4 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ଯିବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଆମେ ମାନିପାରିବା ନାହିଁ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇକି ଯିବାର ପସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ତେଣୁ 1 ତାରିଖ ଏବଂ 2 ତାରିଖ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ 3 ତାରିଖଠାରୁ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବା ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହେବ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ପୁରୀ ସହ ଦେଶର 8ଟି ବେଳାଭୂମିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶର 8ଟି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତରେ ଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରଖିବା ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।